जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप आम के लड्डू बना करके खा सकते हैं। अभी तो आम का सीजन भी है और अभी मार्केट में आम बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। ये लड्डू बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, ये आपको भी पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए मैंने एक पके हुए आम लिया है, इसे धो करके साफ़ कर लिया है और इसके छिलके हटा करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डालकर इसके महीन पीस लेंगे। मैंने इसे महीन पीस लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने पहले से कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा के रखा था। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसमें कद्दूकस किए हुए नारियल को या नारियल चूड़ा को डाल देंगे। आप फ्रेश नारियल भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब इसे हल्का भून लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसे अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे बैठ करके जलने लगेगा। मैंने यहाँ पर नारियल चूरा का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि नारियल का चूरा हल्का ब्राउन होने लगे हैं। अब इसमें आम के पल्प को डाल देंगे। ये आम के पल्प 1 आम के हैं। आम के पल्प को डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे जल्दी जल्दी भूनेंगे, नहीं तो ये नीचे बैठ करके जलने लगेगा। इसके पानी सूखने तक भूनेंगे। आम के पल्प के पानी जितने रहते हैं वे सूख जाएंगे, बस उतने ही भूनना है। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है। मैंने काजू बादाम और किशमिश लिया है। काजू बादाम को मैंने काट लिया है। अब इसमें डाल करके इसी के साथ ही भून लेंगे। इसे अलग से नहीं भूनेंगे, इसके साथ ही भून लेंगे। देखिए अच्छी तरह से आम के पल्प भी भुना गया है और ड्राई फ्रूट्स भी भुना गया है। इसमें आधा कप पीसी हुई चीनी डालेंगे। इसमें साबुत चीनी नहीं डालेंगे। साबुत चीनी डालने से क्या होगा कि ये ज़्यादा लसलस भी हो जाएगा और सूखने में बहुत समय लग जाएगा। पीसी हुई चीनी डालने से देखिए बहुत जल्दी सूख भी गया है और अच्छी तरह से भुना गया है, आप देख सकते हैं। सभी अच्छी तरह भुना जाने के बाद इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से इसके टेस्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप इसमें ताजे दूध को गाढ़ा करके डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे हल्का भुनेंगे। जब ये कढ़ाई के तले को छोड़ने लगे बस उतना ही भुनेंगे। सभी अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर को हमेशा लास्ट में डालेंगे क्योंकि इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे सिर्फ मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है। इसे आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए सभी अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बना लेंगे। आप इसके गोल या लंबे अपने पसंद के आकार का लड्डू बना सकते हैं। आम के लड्डू बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगा है। इतने मिश्रण से 20 लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। सभी मिश्रण से मैंने लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे डेकोरेट कर देंगे। इसके ऊपर काजू के टुकड़े को रखेंगे जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये देखने में जितने सुंदर हैं खाने में भी उतने स्वादिष्ट हैं। घर के बनाए हुए लड्डू बाज़ार के लड्डू से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बाज़ार के लड्डू में तो केमिकल भी होता है। सारे लड्डू को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। आपको नज़दीक से भी मैं दिखा दे रही हूँ और देखिए कितने अच्छे भी दिख रहे हैं। ऐसे मैं तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ। देखिए अंदर से भी ये बहुत ही अच्छे हैं और स्वादिष्ट भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे चैनल पर शेयर कीजिए।